वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग बैठ गए हैं कैब में और जाएंगे साउथ गोवा टूर के लिए। आप ही ड्राइव करेंगे हमको लगा कोई और है। अभी हम लोग जा रहे हैं डोनापोला, वहीं पे बहुत सारी मूवीज का शूटिंग हुआ था, उसमें से एक सिंघम भी है। बहुत ही अच्छा प्लेस है, बस क्राउडेड ना हो, बस मज़ा आएगा एकदम। अभी हम लोगों ने क्रूज़ का टिकट ले लिया है, 5:15 तक यहाँ, 5:45 तक यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं डोनापोला। ये नाम हमेशा मैं गलत प्रोनाउंस करती हूँ, अभी भी पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। बहुत ही पीसफुल है यहाँ पे और अभी हम लोग वापस आ गए हैं कार में। और अंकल नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा? मेरा मार्ग बीच। गोवा चर्च, लेकिन आज संडे है तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत ही बड़ा क्यू है और लेकिन लाइन चल रही है तो वही अच्छा है। तो हम लोग भी जा रहे हैं अंदर। ये देखिए लाइन।
अभी हम लोग चर्च से बाहर आए हुए हैं और भूख भी लग गया है, तो पहले तो हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद बात का डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं स्पाइस गार्डन, तो ड्राइवर अंकल बोले हैं वहाँ पे बुफे टाइप है, 500 रुपीज़ एंट्री फी है और वहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों खाना मिलेगा, तो वहीं पे हम लोग लंच करेंगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्पाइस प्लांटेशन में, तो और नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी पापड़ है, रोटी है, बिरयानी है, थोड़ा सा सैलड है, कैबेज का सब्जी है और ये स्वीट है, और नॉन वेज का भी ऑप्शन है लेकिन मैंने लिया ली है, मैं सिर्फ वेज खा रही हूँ। ये नॉन वेज में चिकन है और फिश फ्राई है, फिश करी है, फिश फ्राई है और चिकन करी है। ये नॉन वेज है, ये वेज थाली। मैं हूँ आपकी गाइड, मेरा नाम है उपासना, और टूर चालू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देनी चाहती हूँ इस फार्म के बारे में। तो ये जो लैंड है 100 एकड़ में है, तो मिक्स मसाले इसमें कल्टीवेट किया है 100 एकड़, तो हम 100 एकड़ नहीं घूमेंगे, डोंट वरी, हम डेमो एरिया ही घूम के आ जाएंगे। तो आपको जो ये दिख रहा है, ये है काजू फेनी बनाने का तरीका, ये यूनिट है, तो इधर बनता है काजू फेनी। आपको जो फल दिख रहे हैं, ये ऊपर जो रहता है फल एक नर देता है, तो इसका जो नट रहता है वो हमेशा बाहर की तरफ रहता है। आपने कभी फल देखा होगा, हमेशा नट अंदर रहता है, ये एक ही फल है जिसका नट बाहर रहता है। तो ये हम एक्साइटमेंट में हम अगर इसको निकाल के खा लिया, ये तो अभी असली नहीं है, डेमो है, इसका सीजन मार्च अप्रैल में, तो अगर आपने ये निकाल के खा लिया मानो गलती से, तो ये आपका पूरा मुँह जल जाएगा इससे। इसमें इसका जो आउटर शेल होता है, इसमें एसिड होता है, तो इसका प्रोसेस होता है, हम इसको सेपरेट करते हैं, इसका फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, रोस्ट होता है, बाद में स्किन निकालते हैं, अंदर जो हम मिलता है वो है काजू जो हम खाते हैं बाजार में। तो ये जो ऊपर वाला फल रहता है, ये जूसी रहता है, मीठा रहता है, कलर भी इसमें बहुत है, येल्लो, ऑरेंज, पिंक, रेड। तो हम क्या करते हैं, ये हम कलेक्ट करते हैं, लार्ज क्वान्टिटी में कलेक्ट करते हैं और अपने पैरों से दबाते हैं, पैर धोते लेकिन दबाते हैं, और जूस जो निकलता है वो फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट डिस्टिलेशन में हमको एक दो तरह के अल्कोहल है, सो फर्स्ट डिस्टिलेशन मतलब जो फर्मेंटेड जूस है उसको हम बॉयल करते हैं, तो क्या होता है वेफर जो आता है तो वो वेफर इसमें कलेक्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट डिस्टिलेशन में हमको मिलता है हुर्रा, जो कि उतना फेमस नहीं, सुना होगा नहीं, क्योंकि वो उतना फेमस नहीं है, वो सिर्फ इधर ही है, क्योंकि इसकी लाइफ 3 महीना ही है, फिर भी 1 महीने में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत उसको चाहते हैं, खाने पीने के लिए बहुत पसंद करते हैं। इसका परसेंटेज 10 से 15 तक परसेंटेज अल्कोहल परसेंटेज 10 से 15। तो सेकेंड डिस्टिलेशन होता है वो है काजू फेनी, तो 50% हम लेते हैं हुर्रा और 50% फर्मेंटेड जूस, फिर से सेम प्रोसेस
वेफर आता है और सेकंड जो डिस्टिलेशन होता है वो है काजू पीने का, उसमें परसेंटेज बढ़ जाता है, 42% उसका अल्कोहल है। ओके, तो अगर आपने ऐसा 10-20 ml ले लिया तो मेडिसिन, एज अ मेडिसिन आप उसको ले सकते हो। इधर के लोग ना एज अ मेडिसिन पहले आप एफर्ट नहीं कर सकते थे, बहुत मेडिसिन पहले के लोग तो क्या करते थे, काजू पीने एज 10-20 ml मेडिसिन लेते थे। तो उसमें क्या होता है, ठंडी जुकाम जो कुछ आपको है ना वो जाता है, और आपको भूख लगती है उससे, वो पीने से, और एज अ ब्लड थिनर भी हम उसको माना जाता है, ब्लड थिनर। तो ये काजू पूरा है ना। अभी हम लोग आ गए हैं स्पाइस गार्डन से, और उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी टिकट खरीद करके रखा हुआ था क्रूज के लिए, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ पे 5:30 पहुँचना होगा और 5:45 लास्ट एंट्री है, तो फिर अभी वहीं के लिए जाएंगे डायरेक्ट। हमारी तरफ से आपके सामने तीन कल्चरल डांसेस पेश करेंगे, namely the Dekni, the Kunbi and the Portuguese Crudino. Besides three cultural dances, we look forward to Yay! That's unconsidered the participation we want from you people. To remind you, we got a well-stocked bar on the middle deck that serves from hot drinks, cold drinks to delicious snacks. Agaram agaram, samosa, ranch rice, veal biryani and chipri. Here we go, everybody! Daliye to bajao, sab log, make some noise! Nache, nache, bacho! Entertainment, कोई फ्री पास लेके नहीं आया, so come along, do the surprise and go back. Let's see couples here, join up. ब्लू टी शर्ट वाले भाई सब वहां पर बैठे हुए, आ जाए पत्नी को लेकर आ जाओ भाई, इसकी भी ब्लू टी शर्ट है। किसी की पत्नी नहीं आ रही तो पड़ोसी की लेकर मत आओ। कम कम, let me see couples here, join up. See, wanted to be part of this evening. बाद में हमें दोष मत दीजिए कि आपने enjoy नहीं किया. So come, let me see some couples here. गुजरात के कुछ couples हैं यहाँ पर. केम छो? तो आ जाओ. Alright, आप सबके अच्छे दिन आ गए. मेरे कब आएंगे पता नहीं. Alright, couples, it's time to announce about the surprise. ध्यान से सुनिए. Well, the surprise is that the Swastik Cruises has sponsored two exclusive
गाने सर को बाबू जी के साथ नाचना है, यही सरप्राइज है। सो कम ऑन कपल्स, लेट्स सी योर डांस। आप लोग नाचिए, प्यार जताइए और आप लोग इनके लिए तालियां बजाएंगे। लगता है झगड़ा खत्म अभी हुआ है। सो कपल्स ऐसे डांस, जो लोग फोटोज खिंचवाना चाहेंगे और अक्सर तेज फोटोज अभी मिल जाएंगे अर्जेंटली। भाई सब क्या हुआ, पत्नी का हाथ पकड़ो, आंखों में देखो, प्यार जताइए, गाने पे नाचो। Here we go, let's see your dance.